이거를. चल वो मिठाई का डिब्बा दे पहले मुझे जो तेरा भैया लाया तू मेरे पे पैसे ना जल्दी ला दे चल कोई है कौन सर जो तेरा भैया डिब्बा लाया ना बर्फी का उसे दुबका दे भोसड़ी का कोई गेट पाऊ जल्दी जा हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर बैठ आओ भगवान जी आओ बैठो हमारी चरपाई पे बस काम धंधे अले चल रहे प्रधान जी तुम्हें पता बिछवाओ प्रधान जी कह खड़े हो यहाँ बैठो प्रधान जी बैठो मिठाई आ रही बैठो और सुनाओ और तो सब बढ़िया मिठाई मंगाओ अभी ला रहा हूँ मैं मिठाई कैसे बात कर दी तुमने मैं बर्फी का डिब्बा कहाँ है वो जुन्नू को दे दिया तू ना इसकी बहन का वो तो खा जाएगा बस तेरी बहन का बवाल मारा सारी मिठाई खा गया प्रधान जी कहाँ से देना असरार होसड़ी के यार मिठाई कहाँ से लाऊं प्रधान जी के लिए आईडिया प्रधान जी बर्फी बर्फी चाहिए लो प्रधान जी बर्फी पर बर्फी तो है प्रधान जी हो पे तो पोला है बर्फी है यो ये मिर्चों का है मिर्चों का कौन सा मिठाई मीठा वह बर्फी यो ही है हमारे यहाँ स्पेशल है ये मिठाई है वह प्रधान जी हमारे यहाँ स्पेशल है तुम्हें पता ना यो पता कितने रुपए की मंगाई हुई कम से कम 3500 रुपए का एक है मेरे चच्चा के साथ ही हो चच्चा कल्ले फाड़ का नाम ना सुना तुमने लो खाओ प्रधान जी खा के देखो पहले खा के देखो लाओ मैं भी खा के चलो है ना अच्छी 7000 रुपए की दो है हाँ मेरा कद्दू की मिठाई है पहला तुमसे कह दी 7000 रुपए क्या है मतलब कद्दू की होगी हो मिठाई है तुम भी ऐसी बात कर रहे हो तुम्हें पता ना कितनी महंगी महंगी मिठाई है हमारे यहाँ तुमने नाम ना सुना गढ़मुक्तेश्वर का इसका पैर टूट गया लौंडा दो दफा गया कुछ ना कुछ बात है कुछ बात ना काम के बारे में बता दो प्रधान जी उसका पता जाने के लिए मैं चल तेरी बहन क्या बच्चा बच्चे ना तुम्हारा भी नाते यार बच्चा है क्या है वो मैं प्रधान जी काम के बारे में बताओगे नहीं किसी और के पास आदमी बाकी मैं भाग गई हूं इसकी बहन क्या क्या बाकी मेरी लुगाई इसकी बहन का 2 रुपया बोला खुला कर लोगे ना 5-7 हजार के दो आए क्या कुछ बंदा इसे लंबा काम दे मेरा फिर हमारा एक गाना आएगा